तो यहाँ पर दोस्तों नॉइस ने अपने डुअल डिवाइस पेयरिंग वाले ईयरबड्स लॉन्च कर दिए हैं, साथ ही में फीचर्स भी काफी इंप्रेसिव दिए गए हैं। तो शुभ कार्य में देरी कैसी, करते हैं अपनी स्टार्ट हैवी टेस्टिंग। तो क्या हाल है दोस्तों आप लोगों के, यहाँ पर नॉइस ब्रांड ने काफी इंटरेस्टिंग ट्रू वायरलेस ईयरबड्स लॉन्च किए हैं, दैट इज नॉइस ऑरा बड्स ट्रू वायरलेस ईयरबड्स, और इसका लॉन्च प्राइस है 1600 रुपए के आसपास। प्राइस पॉइंट थोड़े बहुत फ्लक्चुएट होते रहते हैं, वैसे मैंने बेस्ट पॉसिबल लिंक्स दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, एक बार आप चेकआउट करके इनका करंट प्राइस चेक कर सकते हैं। और यहां पर आपको नॉइस ब्रांड प्रोवाइड कर रहा है डुअल डिवाइस पेयरिंग का ऑप्शन, एक अच्छा इनिशिएटिव है, एक टाइम पे आप दो फोन से कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही में आपको गेमिंग मोड मिल जाएगा, चार माइक से सेटअप दिया गया एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन फीचर के साथ, और इसमें आपको 12 mm के पॉलीमर कंपोजिट ड्राइवर्स यूज किए गए हैं। बाकी बॉक्स के अंदर कंटेंट क्या है, इसका आउटपुट कितना जस्टिफाई करता है, फीचर्स काफी इंटरेस्टिंग दिए गए उस हिसाब से, एंड तक पॉसिबल से आप डिसाइड कर ही लेंगे कि इसको आपको ऑप्शन में रखना चाहिए के नहीं। So hope you like this one, and if you're new to our channel, kindly subscribe our channel, hit the like button, comment, share as much as possible, so we can make more good stuff for you all. So let's get started. तो हमेशा की तरह सबसे पहले शुरुआत करते हैं अनबॉक्सिंग के साथ। तो यहां पर आपको नॉइस ऑरा बड्स ट्रू वायरलेस ईयरबड्स का ऐसे आपको डिसेंट सा बॉक्स मिलने वाला है ब्रांड की तरफ से, साइड में काफी फीचर्स मेंशन किए गए, सब आगे डिटेलिंग में चेक किए जाएंगे। इसको करेंगे क्विकली अनबॉक्स। तो सबसे पहले आपको मिलने वाला है यहाँ पे हमेशा की तरफ 1 ईयर की ब्रांड वारंटी कार्ड, क्लेम कर सकते हैं वारंटी। एक यूजर मैनुअल मिल जाएगी ब्रांड की तरफ से, एक्स्ट्रा आपको स्टिकर्स मिलने वाले हैं, कहीं ना कहीं चिपका लीजिएगा अपने हिसाब से। एक एडिकेट लेंथ की आपको टाइप सी केबल मिलेगी टू चार्ज योर केस, एक्स्ट्रा ईयर टिप्स के साथ अपने कानों के साइज के हिसाब से यूटिलाइज कर पाएंगे। और यहां पर ब्रांड की तरफ से दो ऐसे कलर कॉम्बिनेशन में बड्स आए हुए हैं, व्हाइट और ब्लैक, जो आपको कलर कॉम्बिनेशन बढ़िया लग रहा है केस को लेके और बड्स को लेके अपने हिसाब से आप पिक कर सकते हैं। और इसके फिजिकल ओवरव्यू की बात करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं ऐसा कॉम्पैक्ट आपको पूरा मैट फिनिश का ऐसा आपको केस मिलने वाला है, सही लुक एंड फील प्रोवाइड कर रहा है। नॉइस की आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी फ्रंट में ही, नीचे आपको एक बैटरी इंडिकेटर लाइट और एक टाइप सी का पोर्ट मिलने वाला है चार्जिंग पर्पस के लिए। ऐसा कोई बटन प्रोवाइड नहीं किया गया केस में, और जो बिल्ट है वो मुझे काफी इंप्रेसिव लग रही है, बिल्ट को लेकर मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी। और ये वैसे कॉम्पैक्ट ही केस है, आराम से पॉकेट में कैरी करते हैं, बैग में कैरी करते हैं, पोर्टेबल तरीके से कैरी कर सकते हैं। और केस को ओपन करेंगे दोनों ही बड्स यहां पे पैक्ड है, लेफ्ट राइट भी साफ साफ मेंशन्ड है, और मिलने वाले हैं मैग्नेट्स, ईयरबड्स नहीं गिरते केस के अंदर से। और जो केस का लॉक है वो भी आपको काफी प्रॉमिसिंग मिल जाएगा, लॉक को लेके मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही है, हिंजेस भी काफी आपको प्रॉमिसिंग मिलने वाले हैं, इसको आपको ऐसे मैन्युअली बंद करना पड़ेगा। और साथ ही में इसमें आपको हाइपर सिंक टेक्नोलॉजी दी गई है, अगर आप ऑलरेडी कनेक्शन एस्टैब्लिश कर चुके हैं सिंपली आप केस को ओपन करेंगे पेयरिंग मोड में आ जाएगा, और आप देख सकते हैं फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स लग सकते हैं लास्ट फिट डिवाइस से ऑटोमेटिकली कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाएगा। केस को आप बंद करेंगे या फिर प्रॉपरली डिस्कनेक्शन भी हो जाएगा, इसका IWP फीचर हाइपर सिंक टेक्नोलॉजी सही तरीके से वर्क करती है। और साथ ही में नया इंप्लीमेंटेशन है, इसमें आपको डुअल डिवाइस पेयरिंग का ऑप्शन है, एक टाइम पे आप दो फोन से कनेक्ट कर सकते हैं, दो डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं, एक अच्छा इनिशिएटिव है मेरे हिसाब से कम प्राइस पॉइंट में। और बड्स आपको मिलने वाले यहाँ पे चैम शेप के, ऐसा आपको लुक एंड फील प्रोवाइड करते हैं, इसमें आपको टेक्सचर्ड फिनिश दिया गया है बड्स में ही, काफी सही लुक एंड फील प्रोवाइड कर रहे हैं, मैट फिनिश और ग्लॉसीनेस का कॉम्बिनेशन दिया गया है, इसके लुक एंड फील को लेकर मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही है वैसे तो। एंड अगर हम बात करेंगे इसकी फिटिंग की, यहाँ पे अगर आप प्रॉपर ईयरकफ्स लगाएंगे फिटिंग यहाँ पे आपको अच्छी मिलने वाली है। आप बोल सकते हैं ईयरबड्स लगाते से ही 75% तक बाहर की नॉइस कैंसिल हो रही है, लाइट वेट ईयरबड्स से आप लॉन्ग आवर्स के लिए यूटिलाइज करते हैं ऐसा दिक्कत नहीं आने वाली है। और चाहते हैं आप वर्कआउट्स करना, एक्टिविटीज करना, रनिंग जॉगिंग करना, इसके थ्रू आप कर पाएंगे, कानों से नहीं गिरते हैं। फुल टच कंट्रोल्स भी मिलने वाले हैं, ये एक प्लस पॉइंट है। एक नजर डालते हैं इसके फीचर्स पार्ट को लेकर। सबसे पहले अब यहां पर आपको मिलेगा लेटेस्ट ब्लूटूथ वर्जन 5.3, IPX5 वाटर एंड स्प्लैश रेजिस्टेंट फीचर, 12 mm के पॉलीमर कंपोजिट ड्राइवर्स, SBC AAC कोडेक का सपोर्ट, डुअल डिवाइस पेयरिंग का सपोर्ट, हाइपर सिंक टेक्नोलॉजी, चार माइक का सेटअप, एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन फीचर के साथ आपको गेमिंग मोड मिल जाएगा, 7 से 8 घंटे का प्ले टाइम मिलेगा ऑन अ सिंगल चार्ज, और टोटल आप 60 hours तक का ओवरऑल प्ले टाइम ले सकते हैं यूजिंग द चार्जिंग केस। इसमें आपको इंस्टा चार्जिंग, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है, 10 मिनट आप केस को चार्ज करेंगे लगभग यहाँ पे आपको 2.5 घंटे का प्ले टाइम प्रोवाइड कर देगा यूजिंग द चार्जिंग केस। इसके जो फीचर्स है उसको लेकर दिक्कत नहीं आने वाली है, बढ़िया आपको बिल्कुल भर भर के फीचर्स मिलने वाले हैं। बात करेंगे इसके फुल टच कंट्रोल्स की, उसका हिसाब किताब ऐसा है अगर आप किसी भी ईयरबड को डबल टैप करेंगे म्यूजिक प्ले होगा, फिर से डबल टैप करेंगे किसी भी ईयरबड को तो म्यूजिक पॉज होगा, राइट ईयरबड को ट्रिपल टैप करेंगे तो ये नेक्स्ट ट्रैक पे लेके जाएगा, लेफ्ट ईयरबड को अगर आप ट्रिपल टैप करेंगे तो ये प्रीवियस ट्रैक पे लेके जाएगा, राइट ईयरबड को सिंगल टैप करेंगे वॉल्यूम इंक्रीज होगी, लेफ्ट ईयरबड को अगर आप सिंगल टैप करते रहेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगी। यहां पर अगर आप राइट ईयरबड को 4 बार टैप करेंगे तो जो वॉइस असिस्टेंट फीचर है एक्टिवेट हो जाएगा, आप कमांड्स देके यूटिलाइज कर सकते हैं। और किसी भी ईयरबड को यहां पे आप लॉन्ग प्रेस करेंगे 3 सेकंड्स के लिए तो ये गेमिंग मोड में एंटर कर जाएगा, आपको कानों में प्रॉम्प्ट सुनाई देगा वी फाइट करके, फिर से लॉन्ग प्रेस करेंगे 3 सेकंड्स के लिए किसी भी ईयरबड को तो गेमिंग मोड से एग्जिट करके म्यूजिक मोड में आ जाएगा, आपको गेम ओवर करके कानों में प्रॉम्प्ट सुनाई देगा। किसी का कॉल आ रहा है एक्सेप्ट करने के लिए डबल टैप करेंगे किसी भी ईयरबड को तो कॉल एक्सेप्ट हो जाएगा, चलती हुई कॉल को रिजेक्ट करने के लिए फिर से डबल टैप कर देंगे किसी भी ईयरबड को तो कॉल रिजेक्ट हो जाएगा, इनकमिंग कॉल को डायरेक्टली रिजेक्ट करने के लिए लॉन्ग प्रेस करेंगे 2 सेकंड
सेकेंड्स के लिए किसी भी ईयरबड को, तो कॉल डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा। फुल टच कंट्रोल्स बढ़िया तरीके से रिस्पॉन्सिव है, उनको लेकर मुझे पर्टिकुलरली कोई दिक्कत नहीं लगी। और जो गेमिंग मोड दिया गया है इसमें आपको 50 मिलीसेकंड लो लेटेंसी क्लेम की है, आप देख लीजिए BGMI का गेम टेस्ट। फिफ्टी मिली सेकंड लेटेंसी जो क्लेम की, अगर आप SBC कोडेक में ऑन करते हैं, इसमें आपको SBCAC कोडेक का सपोर्ट दिया गया है, SBC कोडेक में हम ऑन करके गेमिंग मोड ऑन करेंगे तो 50 मिली सेकंड के आसपास आपको लेटेंसी डेफिनेटली मिल जाएगी। अच्छी आप बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा परफेक्शन नहीं है कि हाँ बिल्कुल आपको नो लेटेंसी मिलने वाली है, लेकिन हाँ अगर आप यहाँ पे हैवी गेम्स खेलते हैं, कैजुअल गेमिंग करते हैं, अच्छी आपको गेमिंग एक्सपीरियंस मिलने वाला है। स्टीरियो सेपरेशन आपको सही मिल जाएगा, एनिमीज यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, इन्होंने एक्सपीरियंस आपको सही मिलने वाले गेमिंग के टाइम पे, अच्छी आपको गेमिंग मिल जाएगी इसके थ्रू। बात करेंगे आप साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी और कॉल क्वालिटी की। इसमें आपको 12 mm के पॉलीमर कंपोजिट ड्राइवर्स दिए गए हैं SBCAC कोडेक के सपोर्ट के साथ। लाउडनेस आपको बढ़िया मिलने वाली है, फुल वॉल्यूम पे आपको ऐसा कोई डिस्टॉर्शन फील नहीं होगी, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत ना लाउडनेस ज्यादा है तो आप बोल सकते हैं 70% वॉल्यूम से ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आपको साउंड लीकेज का इशू देखने को मिलेगा। 70% वॉल्यूम से ऊपर जाएंगे, साइड में जो बैठा हुआ आपको क्लियरली बता देगा आप कानों में क्या सुन रहे हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा। लेकिन वोकल्स काफी आपको बढ़िया दिए गए हैं, इसमें जो बेस इफेक्ट्स है वो मुझे पर्सनली काफी बढ़िया लगे। अगर आप बेस लवर, आपको सराउंडिंग पावरफुल बेस चाहिए प्रॉपर आपको पंचनेस के साथ, इसके बेस इफेक्ट्स को लेकर मैं पर्सनली काफी इंप्रेस हूं। अगर आप बेस लवर हैं इसको आप डेफिनेटली बढ़िया बेस के लिए ऑप्शन में रख सकते हैं। वोकल्स आपको सही मिलने वाले हैं, ट्रेबल सही मिल जाएंगे। इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन में थोड़ी बहुत बेटरमेंट होनी चाहिए थी, क्योंकि बेस ज्यादा दिया गया तो इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन में कहीं ना कहीं हल्की फुल्की बेटरमेंट होनी चाहिए थी, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे आपको आउटपुट बढ़िया मिलने वाला है म्यूजिक और बेस पार्ट को लेकर। बात करेंगे कॉलिंग की, 4 माइक का सेटअप है एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन फीचर के साथ, HDRS हैवी दीक्षा रिव्यू सिस्टम, फटाफट देख लीजिए आप। हेलो, हाँ दीक्षा क्या हो रहा है? बस कुछ नहीं, बैठी हुई थी। अच्छा, अरे अभी मेरे पास यहाँ पे ना नॉइस ब्रांड की तरफ से नॉइस ऑरा बर्ड्स इनके नए TWS लॉन्च हुए हैं। हाँ। तो इसमें कॉर्ड माइक का सेटअप दिया गया है, तो फिलहाल मैं इसकी कॉलिंग टेस्ट कर रहा हूँ, ऐसे यहाँ पे पार्क साइड कंडीशन में हूँ। तो मेरी आवाज तुम्हें कैसी आ रही है? आवाज तो क्लियर आ रही है, वोकल्स भी क्लियर लग रहे हैं काफी, लाउडनेस अच्छा। भी एडिकेट है। ठीक है, बाकी ऐसा कोई दिक्कत मेरी आवाज को सुनने में या थोड़ी बहुत एक्टिविटीज ऐसे हो तो नहीं रही है यहाँ से? हाँ, तो समझ में नहीं आ रही है कोई एक्टिविटी, बाकी अभी फोकस है अच्छा खासा। कितना परसेंटेज फोकस बोल सकती हो? अभी तो 85-90% फोकस है। अच्छा, है इतना क्लियर फोकस? हाँ, और वोकल्स में क्लैरिटी काफी अच्छी है। ओके, अब मैं थोड़ा यहाँ पे ट्रैफिक कंडीशन में जाऊंगा, बताना कैसी कॉलिंग है। हाँ हाँ दीक्षा। हाँ, अब मैं तुमसे ना यहाँ पे सेम बर्ड से बातचीत कर रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा रोड साइड कंडीशन में आ गया हूँ, रोड से बीचों बीच खड़ा हूँ, दोनों साइड से यहाँ पे गाड़ियाँ जा रही हैं, तो अब तुम्हें कंपैरेटिवली मेरी आवाज कैसी आ रही है कंपेयर्ड टू इंडोर नॉर्मल कंडीशन? आवाज तो अभी भी अच्छे से समझ में आ रही है मुझे, गाड़ियों की आवाज भी आ रही है फिलहाल, लेकिन तुम्हारी आवाज पे अच्छा खासा फोकस है, तुम्हारी आवाज अच्छे से क्लियर समझ में आ रही है। मेरी आवाज पे कितना परसेंटेज फोकस बोल सकती हूं यहां पे ट्रैफिक कंडीशन, हैवी ट्रैफिक कंडीशन के हिसाब से? अभी 80% तक फोकस है। है इतना अच्छा फोकस? हां ठीक है दीक्षा, थैंक यू। ओके, हां बाय। कॉलिंग भी मुझे काफी इंप्रेसिव लगी यार, इसी कॉलिंग पार्ट को लेकर मैं पर्सनली काफी इंप्रेस हुआ। इंडोर कंडीशन में अगर आप यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, इंडोर कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आउटडोर कंडीशन में भी है, सामने वाला फोकस आपको सुन पाएगा, एक्टिविटीज कैच कर लेगा थोड़ी बहुत बैकग्राउंड की, लेकिन आपकी आवाज जब आप बोलेंगे अच्छे तरीके से फोकस रहेगा, इसको आप अच्छी कॉलिंग के लिए ऑप्शन में रख सकते हैं। रेटिंग्स कर लेते हैं अब हम, साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी, कॉल क्वालिटी, गेमिंग एक्सपीरियंस को आउट ऑफ 10। तो मैं साउंड क्वालिटी दूंगा 8.5 out of 10, मैं बेस क्वालिटी को भी दूंगा 8.5 out of 10, मैं कॉल क्वालिटी को भी दूंगा 8.5 out of 10, गेमिंग एक्सपीरियंस को भी दूंगा 8.5 out of 10। दीज आर द रेटिंग्स ऑन टू माय पर्सनल एक्सपीरियंस एंड डिपेंडिंग ऑन द प्राइस ऑफ दिस ईयरबड्स अप्रॉक्सिमेटली 1600 रुपए के आसपास है, और मेरे हिसाब से बिल्कुल ही जस्टिफाई करते हैं इसको, मतलब बोल सकते हैं कि ऑलराउंडर पैकेज है ये, मतलब मेरे को म्यूजिक, बेस, कॉलिंग, गेमिंग ऑलमोस्ट सब इक्वली लगी। डुअल डिवाइस पेयरिंग का ऑप्शन आपको एड ऑन दिया गया, अच्छी इनिशिएटिव है, इसको आप चेकआउट कर सकते हैं, मुझे इसका आउटपुट काफी इंप्रेसिव लगा प्राइस पॉइंट के हिसाब से। मैंने आपको सारी की सारी टेस्टिंग दिखा दी प्रोज एंड कॉन्स के साथ, अब आपके डिसीजन मैटर करता है। मैंने पॉसिबल लिंक्स दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, आपको प्रोडक्ट पसंद आया चेकआउट करके ग्रैब कर सकते हैं। आपको भी कुछ दिक्कत है, कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू आउट विद दैट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द अनबॉक्सिंग, रिव्यूज, रेटिंग्स, कॉलिंग टेस्ट एंड गेमिंग टेस्ट ऑफ द रिसेंटली लॉन्च नॉइस ऑरा बड्स ट्रू वायरलेस ईयरबड्स विद डुअल डिवाइस पेयरिंग। होप यू लाइक दिस वन, एंड एज आई टोल्ड यू, इफ यू न्यू टू आवर चैनल काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द लाइक बटन, कमेंट, शेयर एज मच एज पॉसिबल, सो वी कैन मेक मोर गुड स्टफ फॉर यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन, एंड सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।